हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हम स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का बज रहा है 6:30 और सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ देख सकते हैं हम लोग अपने बारी पे काम करने के लिए आ चुके हैं। और इधर करेला को अब कोड़ा कर रहे हैं। इधर देख सकते हैं पूरा करेला लगा हुआ है। और इधर जो है अपने काम कर रहे हैं। और इधर सब देख सकते हो आलू सब बहुत बड़ा बड़ा हो गया ना। मात्र 3 बार पानी दिए हैं इसमें और इतना बड़ा हो गया ना। उस दिन का वीडियो में देखिए होंगे, थोड़ा छोटा छोटा था और अभी जो है काफ़ी बड़ा हो गया है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो इधर देख सकते हैं भाइयों, ये देखिए पिछले सबसे लास्ट में जो लगाए थे वो आलू ये वाला है। और ये थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, देख सकते हैं धरती फाड़ के निकल रहा है, ये देखिए। और हम लोगों का गन्ना है उधर, जो कि अभी फूल लगने लगा है, वो देख सकते हैं वो फूल है। और केला पेड़ उधर भी है दोस्तों, और इधर भी है। इधर का फल फला हुआ है, वो देखिए वो केला का फल, उसमें लगभग 90-100 फल हैं उसमें केले में। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इधर काम कैसे चल रहा है हम लोगों का करेला के ऊपर। यहाँ पेड़ के पास साफ सफाई होना चाहिए और यहाँ खाद खाद वाद दे के जो है इसमें गोलाई करके मादा वादा भर के इसमें पानी देना है। और इसका पत्ती भी थोड़ा कीड़े वीड़े काट दे रहे हैं, तो दवाई ववाई छिड़काव जरूरी है इसमें भी। तो ऐसे कोड़ा खचाई करके जो है साफ सफाई करके दवाई ववाई राखड़ खाद सब दे के इसको पानी देना है। और इधर इधर देख सकते हैं इधर पानी देने के लिए लगेगा। इधर का पानी नहीं दिए हैं, इधर उस दिन मैं दे दिया था। और इधर जो है सूखा है और इधर भी नहीं दिया हूँ, वहाँ से उधर पानी दिया हुआ था क्योंकि इधर कच्चा था, यहाँ पेड़ की छाँव की वजह से नहीं सूखा था। और दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि उस दिन जो है हम लोग प्याज का बीज को वो किए थे, तो वो अभी निकलने ही वाला है। इधर देख सकते हैं यहाँ जो कि हम लोग पैरा से वो कर रखे हैं, और यहाँ देखा जाए तो कितना निकल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं छोटा छोटा प्याज का थारा है, मतलब प्याज का छोटा छोटा पौधा है। ये देखिए इसमें तो नहीं निकल पाया है, इधर दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं प्याज का छोटा छोटा पौधा निकल रहा है। इसी तरह हम लोग यहाँ लगभग 20-25 छोटा छोटा खेत बनाए हैं, उसी में लगाए हुए हैं। और यहाँ अपने चाचा घर लगाए थे जो कि पहले लगाए थे। इन लोगों का देख सकते हैं, इन लोगों का थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है। ये देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा हो गया है, बाकी ये लोग कम लगाए थे। अरे देख सकते हैं घेराव साड़ी का। और हमारे इधर मुर्गी उर्गी पाले हैं तो उसमें घुस के जो है पूरा वो कर देते हैं, इसलिए साड़ी का घेराव लगाए हुए हैं वो लोग। और दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इधर सब आम पेड़ है, ये हम लोग का आम पेड़ है। हम लोग का बगीचा उधर भी है जो कि छोटा छोटा पेड़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और सब कलमी आम है। और इधर का देख सकते हैं सब खट्टे मीठे आम है, कोई कोई खट्टा है, कोई कोई अचार बनाने लायक है आम। और ये वाला थोड़ा मीठा वाला पेड़ है जबकि मीठा आम है, और उधर सब खट्टे आम है जो कि अचार अचार बनाने में काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि ये वाला खट्टा लगता है। और इधर पूरा में आलू लगा हुआ है, ये देखिए बहुत काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है। अरे ये आलू का पत्ता को वो भी बनाया जाता है भाई, सब्जी भी बनाया जाता है इसका। वो गुड़ा करके इसका पत्ती को तोड़कर सुखा के, और इधर का खेत भी हम लोगों का तैयारी हो रहा है खेती के लिए। देख सकते हैं इधर हम लोगों को वाला जो प्याज वहाँ छोटा छोटा खेत में दिखाया, वो बड़ा होगा फिर इसी में लगाना है, ये वाला खेत में पूरा में लगाना है, इसलिए इसको तैयारी में लगा हुआ है। और इधर थोड़ा सा गीला है तो इधर को हल नहीं चलाए हैं, इधर को बस चलाए हैं। वो देख सकते हैं वहाँ है हल सब, वो पाटा बोलते हैं हम लोग का, वो वाला है। तो अपने काम को हम लोग फटाफट कर लेते हैं। देख सकते हैं हम लोग अपने औजार के साथ आए हैं, ये हम लोग का गैती, ये गैती में जो है ठीक बनता है इसलिए इसको लाए हैं। वो देख सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में इसको गैती बोला जाता है, ये वाला को हमारे देसी भाषा में।
दोस्तों सुबह का इतना ठंड था, जैसे कि मैं मोजा वोजा अभी निकाला नहीं हूँ और काम कर रहा हूँ, देख सकते हैं पूरा मोजा वोजा गंदा हो रखा है मिट्टी की वजह से, ठंड में निकाला नहीं था मैं, एकदम लेकिन सुबह लगे चलिए हैं काम में। सही है। तो दोस्तों हम लोगों का काम जो है इतना हो गया है, देख सकते हैं पीछे वहाँ तक बस इतना है, खाली ज़मीन बाकी है अब। तो मेरा फ़ोन में तो है चार्जिंग थोड़ा डाउन हो गया है, तो गाइस मैं जो है चार्ज करने जा रहा हूँ अपने फ़ोन को। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।